मानपुर चौकी इंचार्ज सहित 8 पुलिसकर्मी हुए लाइन हाजिर, चौकी में छाया सन्नाटा। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद भगतपुर थाना क्षेत्र में लगने वाली मानपुर चौकी पर एसएसपी प्रभाकर चौधरी की गाजगिरी है, जिसमें मानपुर चौकी इंचार्ज सहित 8 पुलिसकर्मियों को एसएसपी प्रभाकर चौधरी के आदेश पर लाइन हाजिर कर दिया गया है। चौकी में देखा जाए तो कोई भी पुलिसकर्मी इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। चौकी में हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा दिखाई दे रहा है। आपको बताते चलें कि भगतपुर थाना क्षेत्र की लगने वाली मानपुर चौकी में चौकी इंचार्ज सहित सभी पुलिस कर्मियों की काफी दिनों से क्षेत्रवासी शिकायत कर रहे थे, जिसके चलते एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने रात्रि के समय मानपुर चौकी में पहुंचकर सभी पुलिस कर्मियों की शिकायतों की पूछताछ की, तो उनकी बातों से जाहिर कर चौकी इंचार्ज सहित सभी पुलिस कर्मियों को लापरवाही बरतते हुए ड्यूटी करने व घटनाओं का निस्तारण न निकालने के चलते चौकी इंचार्ज सहित 8 पुलिस कर्मियों को एसएसपी प्रभाकर चौधरी के आदेश पर लाइन हाजिर कर दिया है, जिसके चलते चौकी में पुलिस कर्मियों की तैनाती न होने के चलते चौकी के अंदर सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है। बड़ी बात तो यह है कि 8 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर तो कर दिया है, लेकिन चौकी में कोई भी पुलिस कर्मी दिखाई नहीं दे रहा है, जिसमें पुलिस की बड़ी लापरवाही इसको कहा जा सकता है। यदि मानपुर चौकी क्षेत्र में कोई बड़ी घटना घटित होती है तो उसमें पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा होता है और पुलिस की घोर लापरवाही सामने आ रही है। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम यहाँ मौजूद हैं जनपद मुरादाबाद के थाना भगतपुर में लगने वाली मानपुर चौकी में। यहाँ एक अजीब ही नजारा देखने को मिला है। पूरी चौकी यहाँ पर खाली पड़ी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ आकर जानकारी लेने पर हमें जो बात यहाँ पता चली है वो इस तरह है कि यहाँ कल रात एसएसपी द्वारा सभी तैनात पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है, जिसका कारण अभी तक पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है, लेकिन जानकारी करने पर पता चला कि यहाँ गाइडलाइंस जो पुलिस कर्मियों को मापदंड दिए जाते हैं वो पूरी तरह से उसका पालन नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ ये जो है खास कदम एसएसपी चौधरी प्रभाकर द्वारा उठाया गया है। हो सकता है कि इतने अहम कदम की वजह भी कुछ अहम ही रही होगी, जिसकी जानकारी एसएसपी साहब से बात करने के बाद ही, महोदय से बात करने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन यहाँ पर इस समय जो है एक कांस्टेबल मौजूद हैं, जो तत्काल में सुबह ही यहाँ भेजे गए हैं, जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि उसका कारण क्या रहा, जिसपे उनका कहना है कि उन्हें भी इस बात की पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि वो अभी कुछ ही घंटे पहले यहाँ आए हैं, जबकि ये जो सारा मामला है कल रात का है और लगभग 12 से 13 घंटे बीत जाने के बाद भी पूरी चौकी अभी तक यहाँ खाली पड़ी हुई है। तो आप और हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि इस मौजूदा वक्त में अगर यहाँ कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा, ये प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं चाहती हूँ कि इसकी पूरी जानकारी मिलने के बाद हम आप लोगों तक पहुँचा पाएँ। अशरफ अली के साथ मनाज़रीन, पूरी 24 से।